गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 3 है हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज़, जिसमें आप लोगों को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं इसका स्टार्टिंग नाइट ब्लाइंडनेस एंड बेरी बेरी। अब नेक्स्ट है आपका स्कर्वी, थर्ड नंबर पे। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो होता है, ये जो डिजीज़ होता है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। द अफेक्टेड पर्सन हैज ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलन जॉइंट्स। और इससे जो प्रभावित होते हैं, जो भी व्यक्ति प्रभावित होते हैं स्कर्वी से, उनको क्या होता है, दांत में खून आता है या जोड़ों में सूजन होता है, जहाँ भी जॉइंट्स है। जैसे हम लोग चलते हैं तो पैर में कहाँ कहाँ है जॉइंट्स, या हाथों में, वहाँ पर दर्द होता है। सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, टोमेटोज एंड लीफी वेजिटेबल आर सम रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स हो गया, मतलब खट्टा फल, और आंवला, टोमेटो, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां खाने से विटामिन सी की कमी पूर्ण होती है। फोर नंबर है आपका रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। द अफेक्टेड पर्सन हैज वीक एंड सॉफ्ट बोन्स विच रिजल्ट इन द बेंडिंग ऑफ द बैकबोन एंड बोइंग ऑफ द लेग्स। प्रभावित जी रिकेट्स से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उनके कमज़ोर और नरम हड्डियाँ जो होती है, और रीढ़ की हड्डियाँ जो होती है, वो क्या होती है, झुक जाती है और पैरों को झुकाना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एजेट हो जाते हैं, वो क्या होता है, झुक के चलते हैं, तो उनमें क्या होती है, विटामिन डी की कमी होती है, जिनसे उनको रिकेट्स हो जाता है, उनका हाथ टेढ़ा हो जाता है। फिश लीवर ऑयल्स आर द मेजर डाइट्री सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश लीवर ऑयल जो होता है, वो विटामिन डी का प्रमुख आहार स्रोत है। एक्सपोजर टू सनलाइट इज वेरी हेल्पफुल एज विटामिन डी इज फॉर्मेड अंडर द स्किन बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। धूप में निकलना, सनलाइट में निकलना बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि धूप से हमारे स्किन के नीचे विटामिन डी बनता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि धूप में रहना विटामिन डी, मतलब सनलाइट भी जो है वो विटामिन डी का स्रोत है। फाइव नंबर है आपका गोएटर। गोएटर इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट। गोएटर जो होता है, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका फाइव पॉइंट्स है गोएटर। गोएटर इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट। अगर अपने आहार में, अपने भोजन में आयोडीन की कमी करते हैं, तो इसके कारण से गोएटर डिजीज होता है। द अफेक्टेड पर्सन हैज स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड। और इससे प्रभावित लोगों को क्या होता है, तो गले में सूजन हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कुछ लोगों का जो गला होता है बहुत ही ज़्यादा फुला हुआ रहता है, सूजा हुआ रहता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो वो आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड आर रिच सोर्सेस ऑफ आयोडीन। हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, और सी फूड जो समुद्र से हम लोगों को भोजन मिलता है, समुद्री भोजन में आयोडीन की मात्रा, मतलब आयोडीन समृद्ध स्रोत है आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड्स। डिफिशियंसी डिजीज का आपका नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन इन डाइट। अगर हमारे भोजन में आयरन की कमी होती है, या हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, तो एनीमिया रोग होता है। एन एनेमिक पर्सन हैज ए पेल एंड टायर्ड लुक। जिसको एनीमिया होता है, उस व्यक्ति का शरीर जो होता है कैसा होता है, पीला हो जाता है और थका हुआ दिखता है वो। फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग एंड मीट आर सम रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का प्रमुख स्रोत क्या क्या है, तो मछली है, और हरी पत्तियों वाले सब्जी हैं, अंडा है और मीट है। इसे खाने से क्या होता है, आयरन की कमी दूर होती है। सेवन नंबर है क्वासियो कॉर्ड।
क्वाशियोर कॉर्ड इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट। क्वाशियोकॉर्ड जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है हमारे शरीर में। द बॉडी ऑफ ए चिल्ड सर्फिंग फ्रॉम दिस डिजीज गेट डिसफिगर्ड, हिज बेली गेट स्वेलन एंड ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप। क्या है? द बॉडी ऑफ चाइल्ड सर्फिंग फ्रॉम दिस डिजीज, जो बच्चे इस डिजीज को सफ़र करते हैं, मतलब जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, गेट्स डिसफिगर्ड, उसका जो फिगर्ड होता है, शरीर का फिगर जैसा होता है, तो वो अजीब टाइप का हो जाता है, डिसफिगर्ड हो जाता है। हिज बेली गेट्स स्वेलन, मतलब उसका जो पेट होता है सूजा हुआ रहता है, और उसके शरीर में सूजन हो जाती है, और उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अब तक हम लोगों ने देखा कि किसी ना किसी विटामिन या कुछ किसी कमी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज होता है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं और जो अदर कारण से हमारे शरीर में होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सम अदर काउज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट है पॉल्यूशन इन एयर कैन काउज रेस्पिरेटरी डिजीज, हवा में प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। सेकंड है आपका सम बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग च्यूइंग तंबाकू एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कैन काउज कैंसर ईटीसी। जैसे कुछ बुरी आदतें होती है, जैसे धूम्रपान करना, स्मोकिंग सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना जैसे खैनी होता है, या शराब का सेवन करना आदि, इन सब के कारण से क्या होता है, कैंसर हो सकता है। थर्ड नंबर है आपका ईटिंग टू मच जंक फूड कैन काउज हार्ट डिजीज डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर ईटीसी। अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जंक फूड जानते हैं जैसे चाउमीन हुआ, पिज्ज़ा हुआ, पास्ता हुआ, बर्गर हुआ, ये सब क्या जंक फूड है, इसके खाने से क्या होता है, हार्ट डिजीज होता है, डायबिटीज़ होता है, या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें होती हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, जो एक दूसरे से फैलता है, संचारी रोग। सम डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोवेव्स और जर्म्स। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में बहुत छोटे जीवों के द्वारा फैलते हैं, जो रोगाणु या जैसे हम माइक्रोवेव्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रोगाणु और जर्म्स। ये माइक्रोवेव्स तो जो हम मतलब अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, और जर्म्स क्या होता है, जैसे हम लोग छींकते हैं तो उससे जो निकलता है जर्म्स निकलता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आजकल आप लोग कोरोना वायरस को देख रहे हैं, वो कैसे फैलता है, तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। माइक्रोवेव्स कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोवेव्स जो होते हैं उसको सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। When the microwaves of a particular disease attack a healthy person, he see suffer from the disease. जब भी किसी विशेष बीमारी से किसी मतलब क्या माइक्रोवेव से अगर एक स्वस्थ व्यक्ति पर हमला होता है, तो वो अच्छा व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। जैसे कोरोना वायरस किसी अच्छे आदमी में हो जाता है, फैलता है, आजकल हम लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, घर में हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक दूसरे से फैलता है, किससे, तो जर्म्स के कारण। द इन्फेक्टेड पर्सन मे इन्फेक्ट अनदर हेल्दी पर्सन एंड इन दिस वे द डिजीज स्प्रेड। और ये क्या होता है, जैसे एक कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो वो अपना संक्रमण किसी और में देता है, इस तरीके से क्या होता है, एक चैन बन जाता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, मतलब ये बढ़ते जाता है। दस ए डिजीज which is spread from an infected person to a healthy person is known as a communicable disease. मतलब वैसी जो बीमारी होती है जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। Let us learn about different type of microwaves, the disease they spread and the modes of spreading of the disease. तो आइए हम लोग विभिन्न प्रकार के मतलब जो है डिफरेंट टाइप के माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ते हैं, जो रोग को कैसे फैलाते हैं और उनके रोग का प्रकार मतलब प्रसार कैसे होता है, फैलता कैसे है, और कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट पेज पे आपका फर्स्ट वायरस। वायरस से आप लोग परिचित हो चुके हैं। वायरस काउज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, मिसल्स एंड चिकन पॉक्स। वायरस के कारण क्या होता है, तो जैसे हम लोग को सर्दी हो जाती है, कॉमन कोल्ड, आम सर्दी, खसरा और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कारण बनते हैं ये। व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्नीजिंग, कजिंग एंड क्लॉथिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ही सी टू गेट इन्फेक्टेड विद द डिजीज। दिस आर एयरबॉर्न डिजीज। मतलब जब भी कोई एक स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या कपड़े के संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, बीमारी से मतलब उसको भी इन्फेक्टेड हो जाता है वो। और इस टाइप के रोग जो हैं इसको क्या बोलते हैं, एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वायुजनित रोग, मतलब जो हवा के द्वारा फैलता है। एग्जाम्पल में तो आप लोग जानते हैं वायरस के कारण क्या फैल रहा है, कोरोना वायरस। सेकेंड है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया काउज डिजीज लाइक टबरक्लोसिस एंड वोपिंग काउज। बैक्टीरिया के कारण जो है टबरक्लोसिस मीन्स क्या हुआ, तपेदिक, इसमें क्या होता है पूरा शरीर जो है जलने लगता है, गर्म हो जाता है, और काली खांसी जैसी बीमारियां होती हैं। वोपिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है इसमें। मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज आर स्नेचिंग, कजिंग एंड शेयरिंग द थिंग्स यूज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये भी जो है ये भी किसके द्वारा होता है, तो भाई खांसने से, छींकने से, और एक कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ का यूज किया हुआ है उसका यूज जैसे हम लोग कर लें तो इससे फैलता है। जैसे अगर हैंडकरचीफ, रुमाल का यूज अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का अगर कर लें यूज, तो हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे बैक्टीरिया के कारण। दीज आर एयरबॉर्न डिजीज, ये क्या है, हवा के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रजेंट इन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कोलरा जो होता है एंड टाइफाइड आर सम डिजीज काउज बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। दीज आर वाटरबॉर्न डिजीज। मतलब ये जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के कारण जो होता है तपोदिक और काली खांसी होता है, ये तो होता है, और बैक्टीरिया जो है ये दूषित भोजन खाने से, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड मतलब क्या हुआ, जैसे बासी खाना खाने से या खराब पानी पीने से भी होता है। हैजा और टाइफाइड जो है दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां हैं, और ये जो है वाटर बॉर्न डिजीज है। जैसे वो सब क्या था, एयरबॉर्न डिजीज है, ये वाटर बॉर्न। अगर हम लोग गंदा पानी पियेंगे तो इससे क्या होगा, तो हम लोगों को हैजा कोलरा हो सकता है या टाइफाइड हो सकता है। आप लोग टाइफाइड से भी परिचित होंगे क्योंकि ये सब आजकल का मौसम जो है ये टाइफाइड का ही सीजन है। इस सब दिनों में हम लोग को मतलब प्योर वाटर पीना चाहिए, साफ पानी। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो है लास्ट वीडियो होगा ये आपका जो कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।